और दिल्ली में पीजी हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। एक वीडियो के आधार पर संज्ञान लेते हुए महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये सीसीटीवी फुटेज सेंट्रल दिल्ली के एक पीजी हॉस्टल का बताया गया। इस फुटेज में कुछ लड़कियां कमरे से बाहर निकलती दिखी, तभी अचानक भगदड़ मची और लड़कियां कमरे की तरफ भागती हुई नजर आईं। इसी दौरान एक आदमी लड़की के साथ छेड़खानी करता हुआ दिखा। बताया गया कि वो इसी पीजी में गार्ड की नौकरी करता है। पीजी में छेड़खानी का ये वीडियो किसी ने ट्विटर पर अपलोड कर दिया, जिस पर महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया, जिसमें तत्काल FIR दर्ज करने और आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कही गई। बताया ये भी गया कि जब इस मामले में पीजी मालिक से शिकायत की गई तो उसने भी कोई कार्रवाई नहीं की। तिरंगा यात्रा में केजरीवाल की पार्टी ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। आम आदमी पार्टी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर दिल्ली में तिरंगा यात्रा निकाली। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और गो तस्करों के बीच एक मुठभेड़ हुई, जिसमें गोली लगने से घायल हुए एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में फर्जी खबर छापने और दिखाने के आरोप में 7 न्यूज पोर्टल को बंद करने का आदेश दिया गया। कहा जा रहा है कि ये न्यूज पोर्टल अवैध रूप से चल रहे थे। प्रयागराज प्रशासन ने पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबी मोहम्मद मुजफ्फर की 4 करोड़ की अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई। पंजाब के अमृतसर के हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। वहां कुछ बदमाश एक पुलिस वाले की कार के नीचे बम लगाते नजर आए। उनकी ये हरकत वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसकी वजह से उनका प्लान कामयाब होने से पहले ही फेल हो गया। वीडियो में दो बदमाश सफेद कुर्ते में मोटरसाइकिल पर आते दिखाई दिए, जिनमें एक ने बाइक से उतरकर कार के पिछले टायर के पास बम लगाया और तब तक उसका साथी मोटरसाइकिल मोड़कर भागने को तैयार हो गया। काम होते ही पहला बदमाश बाइक में बैठता दिखा, जिसके बाद दोनों वहां से फरार हो गए। वो जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कोई एक डेटोनेटर टाइप का कुछ मिला मटेरियल को यूज़ है। दावा किया गया कि इस साजिश को अंजाम देने के लिए बदमाशों ने पहले रेकी की और फिर इंस्पेक्टर के घर के बाहर खड़ी कार के नीचे बम लगाया। हालांकि इससे पहले कि वो फट पाता, उसकी भनक पुलिस को लग गई, जिसके बाद उसे डिफ्यूज कर दिया गया। भारत की सख्त आपत्ति के बाद भी चीन का जहाज श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर पहुंच गया। युआन वांग 5 नाम के इस जहाज को चीन का सबसे खतरनाक जासूसी जहाज कहा जाता है, लेकिन चीन इसे हमेशा से एक रिसर्च शिप बताता रहा है और इसी बहाने वो भारत के बेहद नजदीक श्रीलंका के बंदरगाह पर अपने जासूसी जहाज को ले आया। युआन वांग 5 जहाज को चीन के सबसे खतरनाक जासूसी जहाजों में शुमार किया जाता है। यहाँ तक कि किसी बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक करने में भी ये जहाज सक्षम है। युआन वांग 5 जैसे ही हम्बनटोटा बंदरगाह पर पहुंचा, वहां बड़ी संख्या में चीन और श्रीलंका के अधिकारी इसके स्वागत के लिए खड़े दिखे। ये जहाज वहां 16 से 22 अगस्त तक रहेगा और इसी बात ने भारत की टेंशन बढ़ा दी। इसी वजह से भारत ने श्रीलंका से साफ बोल दिया था कि चीन का जासूसी जहाज भारत के लिए खतरा है और भारत की इसी चिंता को समझते हुए श्रीलंका ने पहले चीन के जहाज की परमिशन रद्द कर दी थी, लेकिन बाद में उसे जहाज को हम्बनटोटा बंदरगाह पर आने की इजाजत देनी पड़ी। असल में चीन जिसे एक रिसर्च शिप बता रहा है, कहा जाता है कि वो जहाज सैटेलाइट को भी ट्रैक कर सकता है। इसके साथ ही वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का पता भी लगा सकता है। कहा जाता है कि इस जहाज पर बेहद शक्तिशाली सेंसर भी लगे हुए हैं और करीब 23,000 टन वजनी इस जहाज पर 400 नौसैनिक आसानी से रह सकते हैं। भारत ने इसी वजह से सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इसके हम्बनटोटा बंदरगाह पर आने पर आपत्ति जताई थी, लेकिन भारत का एतराज काम नहीं आया और चीन अपने जासूसी जहाज को श्रीलंका तक पहुंचाने में कामयाब हो गया, जिसे भारत